जब जिक्र महक और खुशबू की हो तो यूपी वाले सबसे पहले कन्नौज को ही याद करते हैं। ये शहर इत्र की खुशबू के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कहते हैं कन्नौज की फिजाओं में भी इत्र महकता है, यहाँ की मिट्टी के कड़कड़ में इत्र की महक बसी हुई है। कन्नौज ने आज के समय में ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही इत्र नगरी के नाम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसी को देखते हुए इत्र नगरी कन्नौज में देश का सबसे खूबसूरत परफ्यूम पार्क और म्यूजियम तैयार किया जाएगा। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। पार्क परफ्यूम के डिस्टिलेशन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाया जाएगा, जिसमें मॉडर्न डिस्टिलेशन और एक्सट्रैक्शन यूनिट्स के लिए एक खास अतर मैन्युफैक्चरिंग जोन भी बनाया जाएगा। कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम इस परफ्यूम का निर्माण फ्रांस के ग्रास शहर के डिजाइन पर करेगी। इसके लिए विश्व की परफ्यूम कैपिटल फ्रांस और भारत के परफ्यूम कैपिटल कन्नौज के बीच समझौता हो चुका है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बनने वाले इस इत्र पार्क को 57 एकड़ में बनाया जाएगा, जिसमें कन्नौज के छोटे कारोबारी सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं के जरिए न सिर्फ अपने उत्पाद बनाएंगे बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर पहचान भी दिला पाएंगे। सबसे खास बात यह है कि ये पार्क थीमेटिक पार्क होगा, जिसमें एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले या पार्क विजिट करने वाले लोगों के लिए टूर की भी सुविधा उपलब्ध होगी, यानी कि लोग वहां आकर इत्र बनते हुए देख सकेंगे। इस परफ्यूम पार्क के जरिए जहां कन्नौज के इत्र कारोबारी अपनी व्यापार को नया आयाम देंगे, वहीं कन्नौज जिले के अलावा आसपास के जिलों में फूलों की खेती करने वाले किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। इतना ही नहीं, कन्नौज के इत्र की खुशबू को पूरी दुनिया में बिखेरने के लिए प्रदेश सरकार अगले साल फरवरी में पहली बार इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगी और इसमें इत्र बनाने वाले यूरोपीय और मिडिल ईस्ट समेत तमाम अग्रणी देशों के प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित भी किया जाएगा। इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल के लिए विदेशी प्रतिनिधि मंडल को लाने की जिम्मेदारी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII की होगी। इस आयोजन के तहत लखनऊ में एक दिन का कार्यक्रम होगा, जिसमें विभिन्न सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सभी विदेशी मेहमानों को कन्नौज ले जाया जाएगा। यहाँ उन्हें इत्र के उद्यमियों, इत्र निर्माताओं और निर्यातकों से मिलने का मौका मिलेगा। ये एक से दो दिन का टूर होगा, जिसमें विदेशी मेहमान कन्नौज के इत्र की खूबियों को जानेंगे और विदेशों में इसकी बिक्री की संभावनाओं को परख सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कन्नौज में इत्र निर्माण की 350 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। यहां से दुनिया भर के 60 से ज्यादा देशों में इत्र भेजा जाता है। इस कारोबार के लिए फूलों की खेती से 50,000 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। 60,000 से ज्यादा लोगों को इत्र कारोबार से रोजगार मिलता है। ये इत्र USA, UK, दुबई, सऊदी अरब, फ्रांस, ओमान, सिंगापुर समेत कई देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।